मैं सभी वन प्लस लवर्स के लिए बहुत एक्साइटिंग अपडेट लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये तो आपको शायद पता भी होगा कि वन प्लस अपनी नॉर्ड सीरीज का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में। सो फाइनली लॉन्च होने वाला है वन प्लस नॉर्ड 4 और ये अपग्रेडेड वर्जन है वन प्लस नॉर्ड 3 सीरीज का। सो अच्छा अपडेट ये है कि वन प्लस नॉर्ड 4 ही नहीं बल्कि सीरीज में वन प्लस नॉर्ड C4 लाइट भी लॉन्च किया जाएगा जो कि इस सीरीज का बजट फोन होगा। जैसे कि आपको पता ही है जो ये सी सीरीज लॉन्च करती है वन प्लस, ये बहुत बजट प्राइस में आती है और कम प्राइस होने की वजह से हालांकि फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है लेकिन उन लोगों के लिए बहुत फीजिबल हो जाता है जो 20 से या 15,000 रुपये तक का एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। इन दोनों फ़ोन्स को 18 जून को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च किया जाना है। और जैसे मैं बता देती हूँ कि C4 लाइट में इस बार क्या खास मिलेगा, और ये C3 लाइट का एक अपग्रेडेड वर्जन होगा। C3 लाइट जब लॉन्च किया गया था ना, अभी तक काफ़ी लोग पसंद करते हैं, उस फोन को खरीदते भी हैं। तो अभी देखना है कि C4 लाइट में क्या नया मिलेगा। जैसे इस फोन में आपको 6.6 इंच तक का एक फुल HD+ डिस्प्ले मिल सकता है और बेस्ट पार्ट है कि अब ना लोग OLED डिस्प्ले वाले फोन खरीदना पसंद करने लगे हैं, तो इसीलिए इस फोन में OLED डिस्प्ले भी आपको मिल सकता है। और माना जा रहा है इसमें मिलेगा हाईएस्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। और इसके साथ ही आउटडोर में आप फोन इजीली इस्तेमाल कर सके, इसमें मिल जाएगी आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस। हालांकि ये फीचर्स कोई भी ऑफिशियल नहीं है, ये सारे एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं। और इसी के लिए बेटर परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 चिपसेट। तो ये जो फोन्स है ना जो ऐसी सीरीज में आता है, ये मेजरली 15,000 से 20,000 के प्राइस पॉइंट में आता है। और पिछली बार भी देखा गया था कि ऐसी 3 लाइट में कंपनी ने स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम प्रोसेसर दिया था। तो बेस्ट पार्ट ये है कि इतने सस्ते फोन में ना क्वालकॉम प्रोसेसर नहीं मिलते हैं, लेकिन वन प्लस अपने फोन्स की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, इस वजह से भी इसके मिड रेंज सेगमेंट वाले फोन्स काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं। अब इसी के साथ इसमें आपको एक अच्छा प्रोसेसर तो मिलने ही वाला है, साथ ही 8GB तक का रैम सपोर्ट मिल जाएगा, 128GB स्टोरेज, 256GB स्टोरेज भी मिल जाएगी और इस स्टोरेज को आप माइक्रो SD कार्ड से 1TB तक एक्सटेंड कर पाएंगे। इसके साथ एंड्रॉयड 14 बेस्ड होगा फ़ोन, तो अब जितने भी लेटेस्ट फोन आ रहे हैं सब एंड्रॉयड 14 बेस्ड होते हैं और ये ऑक्सीजन OS 14 पर भी काम करेगा, तो लेटेस्ट फीचर्स भी सारे मिल जाएंगे। इसके साथ अब आते हैं कैमरा फीचर्स पे। तो जब भी वन प्लस की बात आती है ना तो लोग हमेशा एक्साइटिंग रहते हैं कैमरा फीचर्स के बारे में जानने के लिए। तो उसके साथ इस फोन में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल सकता है जिसमें 50MP का प्राइमरी और 2MP का एक डेप्थ सेंसर मिलेगा और साथ में 16MP का एक फ्रंट कैमरा। तो जहाँ तक लीक स्पेसिफिकेशंस की बात है, कैमरा फीचर्स में बहुत कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, स्टैंडर्ड कैमरा फीचर्स रखे गए हैं। लेकिन अब जो मैं आपको अपडेट बताने वाली हूँ ना, ये एक अच्छा अपडेट है और ये आपके लिए हेल्पफुल इसलिए होने वाला है क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ ज़्यादातर लोग उन फोन्स की डिमांड करने लगे हैं जिसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और बड़ी बैटरी मिलती है। तो इस फोन में भी आपको 5500mAh तक की बड़ी बैटरी मिल सकती है और 80W का एक सुपर वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। तो ये वो सारे कंप्लीट और एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं जो इस बार वन प्लस नॉट सी 4 लाइट सीरीज में हमें देखने के लिए मिलेंगे। और मेरे हिसाब से जो इसका डिस्प्ले फीचर्स है और बैटरी फीचर्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है। आपको क्या लगता है कि वन प्लस नॉट सी 3 लाइट जो था उसके कंपैरेटिवली क्या मेजर अपग्रेड्स आपको लगता है कि इस बार के फोन में हुए हैं? तो अपनी जो आपके एक्सपेक्टेड प्राइस और स्पेसिफिकेशंस है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो लोग वेट कर रहे हैं वन प्लस नॉट सीरीज के लॉन्च होने का, उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, इसको लाइक भी करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।